दोस्तों क्या आपको पता है अगर आप जिम जाते हैं या कसरत करते हैं तो आपको रोज लगभग 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको लगभग रोज 105 ग्राम से लेके 140 ग्राम प्रोटीन खाना होता है, नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बन पाती है। और अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपको लगभग 1 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको लगभग 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप जिम नहीं जाते हैं। आज का ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सस्ते प्रोटीन फूड जिसको खा के आप बहुत कम पैसे में अपनी बॉडी को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे सस्ते प्रोटीन फूड बताऊंगा और जो शुरुआत में करूंगा वो महंगे फूड से करूंगा, फिर धीरे धीरे पांचवें नंबर पे आपको सबसे सस्ता फूड मिलेगा जो आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है। आते हैं अपने सबसे पहले फूड पे। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे लिए फूड है उसको बोलते हैं एग यानी अंडे। आपको पता होगा जो अंडे हैं वो बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आपको एक ट्रे अंडा यानी 30 अंडे लगभग 150 रुपए के पड़ जाएंगे, मतलब आपको एक अंडा 5 रुपए का पड़ जाएगा और एक अंडे में आप लोगों को पूरे 6 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। मतलब एक रुपए में आपको 1.2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अंडे से। उसके बाद में बात करते हैं अपने अगले फूड की जो कि है पीनट्स या जिसको हम मूंगफली भी बोलते हैं। मूंगफली बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, उसके साथ में बहुत ही अच्छे फैट का। तो आप लोग को अगर मूंगफली आप लोग खरीदोगे तो आप लोगों को मूंगफली 14 रुपए में 100 ग्राम मूंगफली मिल जाएगी और 100 ग्राम मूंगफली में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा यानी एक रुपए में आप लोगों को 1.7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद अगले फूड की हम बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं दाल। दाल हम सभी लोग खाते हैं। क्या आपको पता है कि उड़द की जो दाल होती है, जो काली वाली दाल जिसको हम बोलते हैं, वो आपको 12 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगी और 100 ग्राम दाल में, उड़द की दाल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा यानी एक रुपए में आप लोगों को 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद अगले फूड की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं चना। जो हमारा काला वाला चना होता है वो चना आप लोगों को 10 से 11 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर आप लोग 100 ग्राम काला चना खाते हो, जो कि आप लोग को एक रुपए में 2.1 ग्राम प्रोटीन देता है जो कि काफी सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये कुछ फूड है जो आपको सस्ते पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे फूड की जो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। मतलब अगर हम माने तो ये सबसे सस्ता फूड है अगर आप प्रोटीन की बात करें। इस फूड में आपको सबसे कम पैसे में प्रोटीन मिल जाएगा और आपकी बहुत बचत होगी। इस फूड का नाम है सोयाबीन। सोयाबीन का नाम हम सभी लोगों ने सुना होगा। क्या आपको पता है जो सोयाबीन अगर हम लोग खरीदते हैं तो 120 रुपए किलो यानी 12 रुपए में आपको 100 ग्राम सोयाबीन मिल जाएगा और आप लोगों को 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मतलब आपको एक रुपए में 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा सोयाबीन से। बस एक चीज का ध्यान रखना है, सोयाबीन हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग रोज सोयाबीन खाने को सोच रहे हो तो आप लोगों को केवल 50 ग्राम सोयाबीन खाना चाहिए। इससे ज्यादा सोयाबीन आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ये आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस करता है, इसलिए अगर आप प्रोटीन सोर्स के लिए सोयाबीन को यूज करना चाहते हो तो 50 ग्राम से ज्यादा सोयाबीन हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ फूड थे जो कि सबसे सस्ते सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इनको इस्तेमाल करके सस्ते में अपनी बॉडी, अपना शरीर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।